शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया, दूसरा जख्मी हुआ है। रेस्क्यू जराए के मुताबिक जान बहक शख्स की 35 साल नूरुल बशर के नाम से शनाख्त हुई है, जबकि जख्मी अब्दुल्ला को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा ये फायरिंग क्या दुश्मनी का मामला रखता है या फिर दहशतगर्दी? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पर जो है फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में जो एक अफराद जान बहक हुआ है जबकि एक अफराद जो जख्मी हुआ है। दोनों अफराद की जो शनाख्त है वो नूरुल बशर और अब्दुल्ला के नाम से की गई है, जिसमें से जो एक शख्स जान बहक हुआ है और एक शख्स जख्मी है, जिनको जो है अब्बासी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कि शख्स को पुलिस के मुताबिक जो वाकया है डकैती मजामत के दौरान पेश आया, नामालूम मुलजमान की जानिब से फायरिंग की गई। डकैती मजामत पर जो है एक अफराद जो जान बहक हुआ है जबकि जो दूसरा शख्स है वो जख्मी है, जिसको इस वक्त जो है अब्बासी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद सिद्दीकी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।